₹100 खर्च करती है और ओबीसी के अफसर ₹5 का निर्णय लेती है लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं यह बता दो मुझे। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार ₹100 खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है भाई और बहनों। ₹100 में से आदिवासी अफसर ₹5 का निर्णय नहीं लेते भाई और बहनों, नहीं, ₹1 का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते भाई और बहनों। हिंदुस्तान अगर ₹100 खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं, आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। भाई और बहनों, आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है भाइयों और बहनों। मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं भाई और बहनों। हमारी गारंटी सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा था आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में
50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है, इसको हम बदलने जा रहे हैं। और पहला कदम कास्ट सेंसस, जाति जनगणना है पहला कदम। मैंने कमलनाथ जी से कहा कुछ दिन पहले, कमलनाथ जी आपकी एज क्या है, आयु क्या है आपकी? हा 72 साल की एज है। आप देखिए कांग्रेस के नेता हैं, कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है, चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब? इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मजेदार, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में। इसराइल के बारे में अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने, मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग ना एक दलित था ना एक आदिवासी था, यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने। सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा हैं कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे।
जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते, रिमोट कंट्रोल कहीं और है।